हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल पर। तो ये मैं छत पर आ गई हूँ कपड़ा लेने के लिए। अभी मैं आ गई हूँ मेरे किचन में। तो यहाँ पर मेरा बन रही है सुबह की चाय, और ये ना मेरा फ्राइडे का ब्लॉग है। तो मैं आप सबको बताई थी कि मेरे पास ब्लॉग बनाया हुआ है पर मैं अपलोड नहीं कर पाई हूँ, तो वो मैं कल की वीडियो में नहीं बता पाई थी। तो ये मेरे मोबाइल ना गिरकर ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ। पहले दिन गिरा था ना तो थोड़ा सा टूट गया था, और दूसरे दिन गिरा तो थोड़ा ज़्यादा ही स्क्रीन टूट गया, और तीसरे दिन गिरा तो एकदम डिस्प्ले ही उड़ गया। तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ कॉल आ रहा था और नहीं रिसीव भी नहीं कर पा रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था मोबाइल में। और डिस्प्ले चले जाने का मतलब तो आप सब समझ गए हैं कि क्या होता है मोबाइल में। वो ऐसा ही हुआ था मेरा मोबाइल, क्योंकि मेरा जो मोबाइल का स्क्रीन गार्ड है ना वो टूट गया था, तो इसको मैंने निकाल दिया था और कवर भी उतार दिया था, तो इसलिए बहुत जल्दी टूट गया मेरा मोबाइल, ख़राब हो गया। तो उसके बाद दूसरे दिन ही, मतलब जिस दिन टूटा उसके दूसरे दिन ही हस्बैंड जी ठीक कर कर ले आए। मेरा मोबाइल सैटरडे के दिन टूट गया, और फ्राइडे का जो ब्लॉग बनाई थी मैं तो इसको भी अपलोड नहीं कर पाई, और सैटरडे का ब्लॉग भी नहीं बन पाया। थोड़ा सा बना रही थी मैं तभी टूट गया, और संडे के दिन मेरा मोबाइल देकर आए थे हस्बैंड जी ठीक करने के लिए। फिर संडे के दिन सुबह देकर आए थे और रात को लेकर आए थे मोबाइल। तो उसके बाद मतलब ब्लॉग दो तीन दिन नहीं दूंगी ना तो मतलब उसका सिस्टम ही ख़राब हो जाता है बनाने का ब्लॉग। तो फिर मैंने ब्लॉग नहीं डाल पाई, और उसके बाद मंडे के दिन मैं मायके में चली गई थी, और वहाँ पर थोड़ा सा मतलब जाते टाइम वीडियो बनाई थी, तो वो सब वो तो आप सबने देखा कल की वीडियो में। और अभी आई हूँ तो मैं सोची चलो ये जो ब्लॉग बना कर रखी हुई हूँ ये सबको अपलोड कर देती हूँ। और मैं अभी बना रही हूँ खाना। तो दाल है, आलू के चोखा है, और आलू के चोखा का जो प्याज है इसको मैंने तेल में फ्राई कर लिया है, तो इसका ये टेस्टी लगता है खाने में और भी ज़्यादा। तो मेरे बेटी इसका नाम दिया है ब्राउन चोखा, तो इसको बहुत पसंद है, हम सबको पसंद है, मेरे बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक तरीके से बनाया जाता है आलू के चोखा को, मतलब प्याज आलू के चोखा एक साथ फ्राई कर कर, और सिर्फ प्याज को फ्राई कर कर भी बनाया जाता है। तो मैं आज सिर्फ प्याज को फ्राई कर कर बनाई हूँ, और अभी बनाऊँगी मैं ब्रोकली की सब्ज़ी। तो ये सारे खाना बनाने के बाद मुझे शादी में भी जाना है। हम लोग के घर के पास ही शादी है, रास्ते के उस साइड जो घर है उस घर में शादी है। तो अंकल आंटी जी दोनों आए थे, इनवाइट कर कर गए थे कि सब में रहना पड़ेगा। तो वैसे उस दिन मैं हल्दी में गई थी, और अभी मैं जाऊंगी पानी लाने के लिए, बोलते हैं ना नहाने के पानी, जिसका शादी है उसको नहाने का पानी लाकर नहाना पड़ता है, तो वो वाला
पानी लाएंगे आज, हल्दी भी लगाएंगे, नहाएंगे भी, तो इसके लिए जाना पड़ेगा। और हम लोगों का खाना भी वहाँ पर है, हस्बैंड जी नहीं जाएंगे क्योंकि मार्च महीना चल रहा है ना अभी, तो उनको ऑफिस से आने में थोड़ा लेट हो जाता है, इसलिए हस्बैंड जी नहीं जाएंगे और घर का खाना ही खाएंगे वो आकर। और मैं और मेरी बेटी वहाँ पर खाना खाएंगे, तो नहीं खाऊंगी ना तो आने भी नहीं देंगे, बार बार कर कर बोल कर गए हैं इसलिए। और यहाँ पर मेरे बेटी का यह जो फ्रॉक है इसको मैं थोड़ा सा आयरन कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ना रख देती हूँ तो कैसा हो जाता है दाग दाग सा, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आयरन कर रही हूँ। उसके बाद मैं रेडी भी होंगी, तो मैं साड़ी पहनने वाली हूँ ऑरेंज कलर की, तो आप सब अभी देखेंगे। ये देखो मैं भी रेडी हो गई हूँ, ऑरेंज कलर की साड़ी है और ग्रीन कलर की ब्लाउज़, और यहाँ पर सब मेरा बिखरा पड़ा हुआ है, तो मैं देख रही हूँ किसको पहनूँ किसको नहीं पहनूँ, ये देख रही थी। और वैसे भी मेरा खाना बनाते बनाते लेट हो गया था थोड़ा सा, तो बोल रहे थे बहुत जल्दी जाएंगे, टाइम दिया है 12 बजे का, तो अभी तो 1 बज रहा है, पर मैंने बाहर जाकर देख आई हूँ कि अभी भी उनका घर का जो काम है वो नहीं हुआ है, तो अभी नहीं जाएंगे, थोड़ी देर बाद जाएंगे तो मुझे बुलाएंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि चलो थोड़ा सा और भी रेडी हो जाती हूँ, तो वही देख रही हूँ कि क्या पहनूँ क्या नहीं पहनूँ। तो फिर मैंने सिंपल सा ही रेडी हुई हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं पहनी हुई हूँ। तो यहाँ पर मैं मेरे बेटी को उसका जो ब्रेसलेट है उसको दे रही थी पहनने के लिए, फिर मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम है तो मैं इस सबको अच्छे से रख कर फिर जाती हूँ, वरना बाहर से आकर सब बिखरा हुआ देखने से मन थोड़ा सा ख़राब हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं सोची चलो इसको समेट कर जाती हूँ। और यहाँ पर जो मेरा फूल का स्टैंड था ना वो ना गिर कर थोड़ा सा टूट गया है, तो वही मेरी बेटी लगा रही थी फेविक्विक से, वही मैं बोल रही थी मेरे बेटी को कि आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है मैं लगा लूँगी, क्योंकि ये जो फेविक्विक है ना ये बहुत ही स्ट्रांग ग्लू है, तो एक बार हाथों में चिपक जाएगा ना तो बहुत ही मुश्किल होता है इसको छुड़वाना, तो मेरी बात कहाँ सुनती है ज़्यादा, तो लगा लिया। बोले बोल रही थी कि नहीं मैं मुझे आता है मैं कर लूँगी। मैं अभी रेडी हो गई हूँ, मेरे बेटी को अभी रेडी करवाना बाकी है, उसने अपना ड्रेस पहन लिया है, उसका हेयर अभी सेट करना बाकी है, तो वही मैं करूँगी। और फिर मेरा ये ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना।
और ये है मेरा फाइनल लुक। कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ मेकअप शेकअप नहीं किया है मैंने, सिर्फ एक बड़ा सा स्टोन वाला इयररिंग्स पहना है और एक मंगलसूत्र है, और मेरे गले में हमेशा जो एक चेन रहता है वही है। और ये देखो मेरे बेटी भी अभी रेडी हो गई है, और चलो मैं आप सबको दिखाती हूँ ये बाहर का। ये देखो यहाँ पर शादी हो रही है, शादी वाला घर है। गाना तो बजेगा, तो बहुत लाउड गाना बज रहा था म्यूज़िक, तो मैंने ये सबको म्यूट कर दिया है क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा इसलिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पानी भरने के लिए। तो ये देखो बहुत ज़्यादा लोग आए थे पानी भरने के लिए, और ये एक पॉन्ड है, तो देखो इसके साइड कितने अच्छे से सिक्योर कर दिया है। और यहाँ पर छठ पूजा भी होता है, एकदम वो चारों तरफ से एकदम बंद हो जाता है, इतना अच्छा लगता है ना जब दिया जलता है रात को छठ पूजा के टाइम, और तब बहुत ज़्यादा पानी भी रहता है। ये देखो यहाँ पर ना कुछ बना देते हैं, तो यहाँ पर छठ पूजा होता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं आई थी एक या दो बार, जब मैं मायके में नहीं गई थी छठ पूजा में तब यहाँ पर आती हूँ। और ये अभी यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं और वो सब अपना काम कर रहे हैं, मतलब पानी भर रहे हैं वहाँ से नीचे से। फिर हम लोग जाएंगे, यहाँ पर पास में मंदिर है, तो ये मंदिर बहुत ही सुंदर है। देखो ऊपर की साइड यहाँ पर काली माँ भी है, शिव जी भी है, तो सारे भगवान जी है, और मंदिर बहुत ही प्यारा है। यहाँ पर बच्चे के लिए छोटा सा पार्क भी है ये देखो। और धूप भी बहुत तेज़ था, इतना तेज़ था कि ना मतलब मैं सोच रही थी कि मैं क्यों आई क्योंकि एकदम पसीना पसीना हो गया था। और ये मंदिर, और मैं आ गई थी और उसके बाद छत पर जा रही थी कपड़ा लाने के लिए, कपड़ा भी सूख गया था कब से। और आने के बाद ड्रेस चेंज करने से पहले मैं दो तीन इंस्टाग्राम रील्स बनाई हूँ, उसके बाद ड्रेस चेंज कर मेरे नेल पॉलिश भी पहना है, शेप कर रही थी नेल को। हस्बैंड जी भी आ गए थे, मैं हस्बैंड जी को बोल रही थी दिया लाने के लिए, तो दिया भी लाए हैं क्योंकि सैटरडे के दिन जब मंदिर जाती हूँ तो मैं दिया जलाती हूँ, तो ख़त्म हो गया था इसलिए हस्बैंड जी को बोली थी कि लाने के लिए, तो वही लाए हैं हस्बैंड जी अभी। और मैं लगाती हूँ तो मेरे बेटी को भी लगाना पड़ता है, तो वो भी बैठ गई है, तो मम्मी मुझे भी लगा दो, तो पहले उसको लगा दिया और फिर मैं लगा रही हूँ अभी।